हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। ज्योति एक्वा एस्केपिंग गार्डनर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे वायरल हो गया था, तो वायरल होने की वजह से मैं प्रॉपर वीडियोस शूट नहीं कर पा रही थी और उनको पोस्ट नहीं कर पा रही थी, तो बहुत लंबा गैप हो गया है। और अभी भी मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत वीकनेस हो गई है। इवन मेरी वॉइस भी थोड़ी सी चेंज हो गई है, थोड़ी हैवी हो गई है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। आप प्लीज़ इसे इग्नोर कर दीजिएगा और बस वीडियो पे फोकस करिए। ये वीडियो मैंने अपना करवा चौथ से 2 दिन पहले शूट किया था। हमारे यहाँ तो इस बार बारिश इतनी लंबी चली है कि लग रहा था कि विंटर कब आएगा, ये तो बारिश का ही सीज़न चलता जा रहा है। लेकिन खैर, करवा चौथ के दिन मौसम खुल गया और हम लोगों ने चांद देख लिया, अदरवाइज़ तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। तो बस इनका ये जब वीडियो मैं शूट कर रही थी तो मुझे दिखा कि मेरा गार्डन तो जंगल सा हो गया है और काफ़ी पौधे जो हैं ग्रोथ कर गए हैं, और जंगल सा होने के बाद भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और मैं तो इनको मतलब अपनी वीकनेस होने के बाद भी मैं काफ़ी टाइम तक अपनी बालकनी में खड़े होकर अपनी विंडो से इनको निहारा करती हूँ, इनकी ब्यूटी को देखती रहती हूँ और सोचती थी कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए और मैं इनके साथ जाऊँ, अपना टाइम स्पेंड करूँ और इनकी केयर करूँ। तो बस धीरे धीरे से मैं अभी बेटर फील कर रही हूँ और उम्मीद है कि बहुत जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगी। और बस आज ये अपना फैला हुआ गार्डन, जो जंगल सा गार्डन बना हुआ है, उसका ही टूर मैंने कहा आपको करा देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला, आपसे कोई इंट्रैक्शंस भी नहीं हुए हमारे, तो सोचा चलो गार्डन में चलते हैं, थोड़ा सा आपसे चिट चैट भी कर लेती हूँ और आपको अपने गार्डन के पौधों को, जंगल वाले पौधों को दिखाती हूँ कि कैसे दिख रहे हैं, कितने प्यारे दिख रहे हैं, कलर कितने उभर आए हैं, बिल्कुल निखरे निखरे से दिखाई पड़ रहे हैं। आप सब तो जानते ही होंगे, आप सब तो खुद ही प्लांट लवर हैं, तो ये सब बताने क्या क्या है, आप तो सब खुद समझते ही हैं। तो देखिए मेरे पौधे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और मैंने आज अपना क्लॉथ स्टैंड भी खाली कर लिया है, मुझे लगा आज थोड़ा सा कपड़े भी बाहर डालती हूँ, तो मैंने उसको भी खाली किया। और देखिए ये पौधे, इसमें फूल देखे कितने अच्छे अभी तक खिल रहे हैं। वैसे तो इसको सेव कर लेते हैं, हटा देते हैं, बट मैंने इस बार इसको एज इट इज़ छोड़ा हुआ है और बहुत प्यारे फूल अभी तक खिले हुए हैं। मेरा कूचिया भी देखिए अभी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ड्राई हो रहा है नीचे से एक पौधा, लेकिन मैंने इसको भी एज इट इज़ छोड़ दिया है कि अभी निकालूंगी, थोड़ा सा बेटर और हो जाऊँ फिर मैं उसको निकालूंगी। तो बस यही वीडियो एक छोटा सा लेकर के आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं आज आ गई। ये मेरा बालकनी का आउटर व्यू, और मैंने इसके साइड में कुछ प्लांट्स ऐसे रख दिए थे जिनको मुझे बारिश से बचाना था, जो बहुत पानी ले चुके थे, तो उनको मैंने इधर कर दिया। तो अभी मेरी बालकनी के आउटर व्यू को आप ऐसे देख सकते हैं। और बस बाकी तो कुछ मैंने ऐसा चेंज नहीं किया है अभी तक। सोच रही हूँ दीपावली पे थोड़ा सा व्यू चेंज करूँगी और चेंज करने के बाद आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस आप वीडियो एंजॉय कीजिए और आपको कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरा ये जंगल गार्डन कैसा लगा। और कुछ कंस्ट्रक्शंस भी चल रहे हैं यहाँ पे, तो साइड में ईंट वगैरह पड़े हुए हैं, और बट गार्डन तो मुझे ब्यूटीफुल ही लग रहा है। और बस आप अपने कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा जंगल वाला गार्डन आपको अच्छा लगा या नहीं। और मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, एंड हाँ, ऑल्सो डू लव टू एक्वास्केपिंग, बाय बाय।